Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Assalamu alaikum and welcome back to soundofthesoil.com. Here is HM Farid. Biology ki class 9th or class 10th ki pairing scheme aapke saath share karne laga hoon. Apni notebook aur pen saath mein le lijiye. Lekin note karne se pehle ek point main aapke saath share karna chahunga ki ye jo pairing scheme hai ye board ki taraf se official nahi hai. Is baar boards ki taraf se koi bhi pairing scheme nahi di gayi. Ye jo pairing scheme aapke saath share kar raha hoon ye kuch teachers ki taraf se banayi gayi hai aur kuch students ise follow bhi kar rahe hain aur aap students ke kehne par ye pairing स्कीम आपके साथ शेयर कर रहा हूं. आपसे गुजारिश है कि ये पेयरिंग स्कीम नोट करने के बाद अपने टीचर्स को ये पेयरिंग स्कीम लाजमी दिखाइए, उनसे मशवरा कीजिए. अगर वो आपको इजाज़त दें या इस पेयरिंग स्कीम के साथ एग्री करें तो फिर आप इसे फॉलो कर लीजिए, अदरवाइज आप इसे फॉलो मत कीजिएगा. अगर आप ये पेयरिंग स्कीम डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और फेसबुक पेज पर इसका लिंक आपको ऊपर की तरफ नजर आएगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप 9th और 10th की पेयरिंग स्कीम अलहदा से अपने मोबाइल फ़ोन या अपने कंप्यूटर में डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ये देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर है, पहले चैप्टर में से दो MCQs लिए जाएंगे, दूसरे और तीसरे चैप्टर में से एक एक MCQ, चौथे चैप्टर में से दो MCQ और पांचवें चैप्टर में से एक, छठे और सातवें चैप्टर में से दो MCQ लिए जाएंगे, आठवें में से एक MCQ, जबकि नौवें चैप्टर में से दो MCQs लिए जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में से होगा. इसमें से आपको कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे. इसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 5 शामिल हैं और हर चैप्टर में से दो दो शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे. अब क्वेश्चन नंबर 3, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे. इनमें से आपको कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करने पड़ेंगे. आपको यहाँ पे चॉइस दी जाएगी. यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं, चौथे और छठे चैप्टर में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस, जबकि सातवें चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं. अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, ठीक है. इसमें चैप्टर नंबर 8 और 9 शामिल हैं, ठीक है. चैप्टर नंबर 8 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जा सकते हैं और चैप्टर नंबर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जा सकते हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन डेंगू फीवर, जो एक टॉपिक आपको कहीं से भी आप ले सकते हैं, यहाँ से भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका होगा, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में से होगा. इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 ये जो पार्ट है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे. एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में से दिया जाएगा, दूसरा चैप्टर नंबर 4 में से, और पहली जो जुज होगी वो 5 नंबर की होगी और दूसरी जो जुज वो 4 नंबर की होगी. अब क्वेश्चन नंबर 6, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा. इसमें चैप्टर नंबर 6 और 7 शामिल हैं और एक जुज जो होगी वो 5 नंबर की होगी, जो कि चैप्टर नंबर 6 में से लिया जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन, जबकि चैप्टर नंबर 7 में से बी जुज बनेगी और ये 4 मार्क्स का होगा. अगला क्वेश्चन नंबर 7, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है. इसमें चैप्टर नंबर 8 और 9 शामिल हैं. चैप्टर नंबर 8 में से एक जुज बनेगी और 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जबकि चैप्टर नंबर 9 में से जुज बी बनेगी और ये 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा. तो ये थी 9th क्लास की. अब बात कर लेते हैं 10th क्लास के पेयरिंग स्कीम के बारे में. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखिए. इसमें चैप्टर नंबर 10 और 11 में से एक एक MCQ आएगा, चैप्टर नंबर 12 में से दो MCQs, चैप्टर नंबर 13 और 14 में से एक एक MCQ और चैप्टर नंबर 15 और 16 में से दो दो, जबकि चैप्टर नंबर 17 और 18 में से एक एक MCQs लिए जाएंगे. अब क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस है, ठीक है. इसमें आपको 8 दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 3 करने, सॉरी, कोई से 5 करने होंगे. चैप्टर नंबर 10th, 11th और 12th हैं. चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 11 में से 2, जबकि चैप्टर नंबर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 3, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. इनमें चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 शामिल हैं. चैप्टर नंबर 13 और 14 में से दो दो शॉर्ट क्वेश्चंस, जबकि चैप्टर नंबर 15 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस की. इसमें चैप्टर नंबर 16, 17 और 18 शामिल हैं. चैप्टर नंबर 16 में से 4, जबकि 17 और 18 में से दो दो शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन है. इसमें चैप्टर नंबर 11 और 12 शामिल हैं.
एक जो जुज़ होगी वो चैप्टर नंबर 11 से बनेगी और दूसरी जो जुज़ होगी ये चैप्टर नंबर 12 में से चार या पांच जुज़ की बनेगी। अब चैप्टर नंबर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें दो जुज़ हैं, एक जुज़ पाँच नंबर की होगी और दूसरी जुज़ चार नंबर की होगी, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है। अब चैप्टर नंबर 6 इसमें इसके भी दो पार्ट्स हैं, इसमें भी दो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और चैप्टर नंबर 13 और 14th शामिल हैं और इसमें से भी एक जुज़ जो ए जुज़ होगी वो 13 में से और जो बी जुज़ होगी वो चैप्टर नंबर 14 में से ली जाएगी। आखिरी क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें चैप्टर नंबर 16 और 17 शामिल हैं, एक जुज़ ए जुज़ जो है वो चैप्टर नंबर 16 जबकि बी जुज़ चैप्टर नंबर 17 में से ली जाएगी जो कि चार या पाँच मार्क्स की होगी। तो ये थी बायोलॉजी की क्लास 9th और क्लास 10th की पेयरिंग स्कीम। अगर कोई आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह ताला आपकी रहनुमाई करेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।